नमस्कार, बीसीएन न्यूज के प्रदेश के खबरों में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूं। टिकटॉक बंद होने के बाद अब टकाटक और कई सोशल मीडिया ऐप देश भर में युवाओं में छाया हुआ है और इन दिनों सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो बनाकर अपलोड करने का नशा बढ़ता ही जा रहा है। ये कहना भी अब गलत नहीं होगा कि ये नशा अब लत बन चुका है। वही अब पुलिस कर्मी भी इससे अछूते नहीं रहे। इसकी नई नवेली वानगी जौनपुर में देखने को मिली। पुलिस वाले पर छाया मॉडलिंग का नशा। खाकी वर्दी पहने, हाथ में रिवॉल्वर लिए दबंग स्टाइल में एडिट कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया वीडियो। वीडियो हुआ वायरल। पुलिस महकमे में उड़ी किरकिरी। शाहगंज कोतवाली में तैनात है अंकुश सिंह। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो शाहगंज कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मी अंकुश सिंह का है और ये वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। दरअसल खाकी वर्दी पहनने के बाद साहब अब सब कुछ भूल बैठकर मॉडलिंग करने का मन ही बना लिया हो। अपने फेसबुक साइट पर अंकुश सिंह का कई दबंग स्टाइल में खाकी वर्दी पहने, हाथों में सरकारी रिवॉल्वर लेकर कई वीडियो एडिट किए हुए है, जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। बीसीएन न्यूज के लिए शाहगंज जौनपुर से ऋषभ तिवारी की रिपोर्ट। दिल्ली के करोल बाग स्थित गुरुदास रवि भवन पर श्री गुरु रविदास सभा यूके यूरोप और अब्रॉड की रविदासिया साध संगत द्वारा भारत में कोविड 19 से पीड़ित लोगों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोला गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम उपस्थित रहे। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर श्री गुरुदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली के सहयोग से समस्त भारतवासियों को वितरित किए जा रहे हैं, जिसमें कोई भी मरीज कोरोना से पीड़ित है वह अपना नाम पता डॉक्टर की रिपोर्ट व आधार कार्ड से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्री में ले सकता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त करने के लिए एक कार्यकारिणी की समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों से संपर्क कर आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर फ्री में ले जा सकते हैं, जिसमें प्रधान ब्रह्म प्रकाश बुलाकी, वरिष्ठ उप प्रधान दुलीचंद पेंट, उप प्रधान रामनिवास चौधरी, उप प्रधान धर्मसिंह, प्रसार मंत्री भूपेश कुमार, संगठन मंत्री मोहनलाल, निर्मेश कार्यालय मंत्री देवेंद्र कुमार और अन्य सेवक यह कार्यक्रम में विशेष सूचना और अन्य इस कार्यक्रम में सेवक है। कार्यक्रम में विशेष सूचना दी गई कि जिसमें आपातकालीन समय पर किसी भी समय महामंत्री राजेश कुमार से संपर्क कर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्राप्त कर सकते हैं। सर, आज समाज की तरफ से सबसे पहले तो मैं संत गुरुदास महाराज जी से जुड़ी जो संस्थाएँ यूके और यूएसए वगैरह से जो हैं, जिन्होंने डोनेट किए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, उनको धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने संत गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी पे भरोसा करके उनको भारत में ये जिम्मेदारी सौंपी। और संत गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के पदाधिकारीगण को भी मैं आभार व्यक्त करूँगा जिन्होंने मुझे भी बुलाया। ये बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे में जब जहाँ भारत में ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी, यहाँ तक कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से अनेकों डेथ भी हुई हैं, ऐसे कोरोना काल में बहुत सारे लोग खो चुके हैं, और ऐसे में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट करना ये निसंदेह बहुत अच्छा काम है, पुण्य का काम है। और मैं उन सब संस्थाओं के साथ समाज की बहुत सारी योजनाएँ हैं, जब मिलेंगे तो फिर मिल के आपसे चर्चा करेंगे। हमारा बेसिकली तो हेल्थ एजुकेशन है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज के लोग जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके पास ना तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नौकरियाँ खत्म हो रही है, रिजर्वेशन धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन है नहीं, व्यापार करने का मौका नहीं मिला, तो चारों तरफ से हमारा जो पिछड़ गया उसको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए, कैसे अपने लोगों के आगे बढ़ने के रास्ते बनाए जाए, उसको हम काफ़ी चिंतन करके विचार कर रहे हैं। पूरी टीम हमारी काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि ये कुछ अच्छी योजना है। पूरी सरकार रात दिन इसी व्यवस्था में लगी रही कि किसी तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया जाए। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, महामारी जब फैलती है हमारा काम होता है कि दवाइयाँ और बेड्स अवेलेबल कराएँ, तो उस व्यवस्था को काफ़ी तेज गति से सरकार ने किया है। यहाँ तक कि दो हॉस्पिटल 500 बेड के जहाँ ICU बेड हैं वो हमने 10 दिन के अंदर हॉस्पिटल तैयार किए, दो हॉस्पिटल। तो जितना तेज गति से काम करना चाहिए हम उस तरीके से कर रहे हैं। और आज दिल्ली में मैं कम से कम उसी के साथ शेयर कर सकता हूँ कि दिल्ली के अंदर कल 1000 से भी कम केस आए हैं, धीरे धीरे कोरोना दिल्ली में कम हो रहा है।
और अब शायद समय आ गया, धीरे धीरे सबके रोजगार, सबके जो काम धंधे बंद थे उन काम धंधों को खोलने का समय है। बहुत जल्दी ही दिल्ली में सारे काम खुल जाए। वैक्सीन के लिए हमने ग्लोबल टेंडर किया है, अगर विदेशी कंपनी हमें दे देती है तो हम ज़्यादा पैसे में भी खरीदने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमको जो स्पूटनिक की लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका एक व्यक्ति की 2 डोज का खर्चा लगभग 2,000 रुपये है। हम तो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी डोजेस का इंतजाम हो जाए और हम दिल्ली के लोगों को वैक्सीनेट कर दें, केवल 18 साल ही सभी को वैक्सीनेट कर दें। सर आप जानते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना कितने भयंकर रूप लिया। हालात ये थे कि दिल्ली के अंदर ना तो अस्पतालों में जगह थी, सरकारी मशीनरी पूरी तरह से फेल हो गई थी, मरीजों को घर में आइसोलेशन रहने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 25-30 हज़ार में मिलता था उसका 2-2 लाख रुपए का दाम पहुंच गया था। अचानक एक दिन खुशी टीवी पर हमारी एक चर्चा चल रही थी दिल्ली में कोरोना के विषय पर, तो खुशी टीवी के जो डायरेक्टर हैं श्री खुशीराम सुमन जी, डॉक्टर खुशीराम जी, उन्होंने मुझे लाइव लिया और उस पर हमारे जो गुरु रविदास या धर्म के लोग हैं वो सब जुड़े हुए थे। उनसे चर्चा हुई, उन्होंने हमारी चर्चा पर सुना, उन्होंने कहा कि दिल्ली में हम क्या मदद कर सकते हैं समाज के लोगों की, दिल्ली में लॉकडाउन है, काम धंधे नहीं हैं, लोग बीमार हैं, तो हम कुछ खाने की मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया था, दिलावर सिंह बागा हैं, मैंने कहा प्रधान जी आप इस दिल्ली के अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो है ऑक्सीजन की। उन्होंने कहा ऑक्सीजन के सिलेंडर हम भेज देते हैं। हमने कहा नहीं, सिलेंडर भेज देंगे तो गैस नहीं मिलेगी। फिर हमने उनसे मांग की कि आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं उसका अगर आप हमें प्रबंध कर दें तो हम सोचते हैं कि दिल्ली के अंदर जो गरीब लोग हैं बेचारे जो कंसंट्रेटर खरीद नहीं पा सकते या उनको किराए पर नहीं मिल रहा तो हम उनकी जान बचा सकते हैं। मैं श्री गुरु रविदास सभा UK के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया और मांग को स्वीकार करते हुए हमें 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिल्ली में श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी को भेंट किए। विशेष तौर पर मैं खुशी टीवी का आभार व्यक्त करूंगा। ये केवल समाज के लिए कंसल्टेंट, देखिए हम मानव सेवा में लगे हुए हैं। गुरु रविदास जी का सपना था बेगमपुरा बसाना, हम ऐसा देश बसाना चाहते हैं जिसमें कोई गम ना हो, कोई बीमार भी अगर व्यक्ति है सब बराबर हैं। उन्होंने एक ऐसे सपने देश की कल्पना की थी, उन्होंने कहा था ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन कुन छोट बड़ो सब सम बसें रविदास रहे पसंद। वो ऐसा सपना देखा था गुरु रविदास जी ने, और हम गुरु रविदास जी के भक्त हैं तो हम ऐसी बात क्यों सोचेंगे हम किसी का भला ना करें। हमारा जो ये सुविधा है सर समाज के लिए है, किसी भी जाति का किसी भी धर्म का जिसको भी इसकी आवश्यकता है वो इसको ले जाए, जब वो उसको ठीक हो जाए वो हमें वापस कर दे जिससे कि ये है किसी दूसरे मरीज के काम आ जाए। देने की प्रक्रिया बहुत सादी है, डॉक्टर द्वारा जो लिखा गया है किसी अस्पताल से डिस्चार्ज स्लिप पे उस पर लिखा होना चाहिए कि इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, वो स्लिप हमें चाहिए, मरीज का आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, एक उसमें ले जाने वाले का जो ले जाएगा उसकी एक जमानत चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि कोई ले जाए और वो रखकर बैठ जाए तो एक आदमी की हम जमानत मांग रहे हैं। स्कॉर्टी का हमारा एक निर्णय था कि 10,000 स्कॉर्टी रखी जाए, लेकिन सब लोगों ने कहा कि गरीब आदमी जो बीमार से पीड़ित है उसका घर के कमाने वाले को कोरोना हो गया है वो कहाँ से 10,000 रुपये लाएगा, तो हमने उस स्कॉर्टी को भी समाप्त करके कोई हम स्कॉर्टी नहीं लेंगे। निःशुल्क किसी भी जाति का किसी भी धर्म का कोई भी हमारे गुरु रविदास भवन 7781/2 प्रभात रोड देवनगर करोल बाग नई दिल्ली 5 से प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9868-4650-45, इस पर संपर्क कर सकते हैं। BCN न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रिजेश कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश की खबरों में बिहार की खबरों के बाद रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। किसी शायर ने सच ही कहा है, मोहब्बत और मौत दोनों बिन बुलाए मेहमान होते हैं, कब आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन दोनों का एक ही काम है कि दिल चाहिए दूसरी को धड़कन। ऐसा ही मामला देवास जिले के नेमावर थाना क्षेत्र का है, जहां नेमावर पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है। 22 दिन पहले हुए हत्याकांड का आज खुलासा हुआ। लगभग 250 से 300 लोगों से लगातार पूछताछ चल रही थी। पूरा मामला नेमावर थाना क्षेत्र का है। 22 दिन पहले हुए ग्राम दत्तय में प्रेम प्रसंग के चलते गोपाल दास और उसके लड़के मनोज दास दोनों बाप बेटे ने उमेश कशनारिया की बहरहमी से मार मार कर हत्या की।
मामला अवैध संबंध प्रेम प्रसंग का था। गोपालदास की पत्नी और उमेश कचनारिया के बीच 5 वर्ष से गलत संबंध थे, जिसकी जानकारी लक्ष्मीबाई के पति गोपालदास और उसके लड़के मनोज दास को लग गई थी, जिससे वह दोनों बाप बेटे खपा हो गए थे। इसके बाद दोनों बाप बेटे ने खेत में जाकर धारदार हथियार और डंडे से बेरहमी से मार मार कर उमेश कृष्णारिया को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद नेमावर लगातार अपराधियों को पकड़ने का प्रयास मेहनत कर रही थी। मुख्यवीर की सूचना पर संदेही गोपालदास की पत्नी लक्ष्मीबाई को थाना तलब कर गहन पूछताछ करने पर बताया गया कि उमेश से बातचीत प्रेम संबंध थे। लक्ष्मीबाई ने मेरे पति और बेटे ने रात्रि 12 बजे धारदार लोहे से डंडे से उमेश कृष्णारिया को मौत के घाट उतार दिया। इसको लेकर देवास जिले के ASP सूर्यकांत नेमावर थाने पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। प्रेस नोट के अनुसार देवास SP द्वारा टीम को नगद पुरस्कार राशि देने की घोषणा भी की गई है। कैमरा पर्सन दीपक बैरागी, अजय ध्रुवे के साथ अरुण उइकी की रिपोर्ट। जिला औरिया से एक बड़ी खबर है। दिबियापुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक की सोमवार की सुबह लगभग 9:30 बजे दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई है। लगभग 10 दिन पूर्व यह उपनिरीक्षक बिदुना कोतवाली से स्थानांतरित होकर दिबियापुर थाने में आया हुआ था। सोमवार की सुबह वह अपनी कार से औरिया की ओर आ रहा था, तभी यह हादसा हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी पहुंच गए। जनपद झांसी के मूल रूप से रहने वाले पवन यादव वर्तमान में दिबियापुर थाने में उपनिरीक्षक पद पर तैनात थे। बताया जाता है कि करीब 10 दिन पूर्व ही पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए स्थानांतर में उन्हें बिधुना कोतवाली से हटाकर दिबियापुर थाने में नियुक्त कर दिया गया था। सोमवार की सुबह वह कहीं से ओरिया की ओर अपने स्विफ्ट डिजायर कार से आ रहे थे। जैसे ही वह ग्राम हरराजपुर के समीप पहुंचे कि अचानक उनकी कार अनियंत्रित हो गई, जिससे वह सड़क किनारे खड़े पेड़ में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परछक्के उड़ गए और उपनिरीक्षक पवन यादव की घटनास्थल पर ही मौत हुई। राहगीरों द्वारा इसकी जानकारी थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने गाड़ी से उपनिरीक्षक को निकाला और उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम, अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल सहित CO भी पहुंच गए। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उपनिरीक्षक की मौत हो जाने से पुलिस महकमे में शोक की लहर व्याप्त है। आज सुबह 9:30 बजे एक दुखद घटना दिबियापुर थाने में तैनात SI श्री पवन यादव, उनकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। उनके परिवार में उनके पत्नी और 2 बच्चे हैं और जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत कार्रवाई हमारे द्वारा इसमें की जा रही है और जो उनका परिवार है उसके प्रति हमारे द्वारा संवेदना और शोक। BCN न्यूज़ के लिए ओरिया से राजकिशोर पोरवाल की रिपोर्ट। बिहार सरकार के चौथे लॉकडाउन के निर्देश जारी होते ही शहर के विभिन्न जगहों में जाम की समस्या उत्पन्न होने पर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है या नहीं? सोशल डिस्टेंस का कहीं तो पालन नहीं हो रहा। जी जी, उन्हें पटाखे खतक है। जी जी, इससे संक्रमण फिर फैलने की बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं पटाखों से यही कहूँगा कि चौकसी बरतें, नहीं तो फिर वही रूप धारण करेगा और फिर लॉकडाउन लगेगा। इसमें सख्ती बरतने की आवश्यकता है? सख्ती बरतने की आवश्यकता है, लोगों को सतर्क करने की आवश्यकता है और मास्क लगा दें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें, पालन करवाना प्रशासन का काम। सर ठीक है सर, आपका मैं हूँ मनोज सिधानिया, भाजपा नगर उपाध्यक्ष। ग्राम मौलाना में प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा भारी मात्रा में अवैध उत्खनन, शासकीय तालाब पर चल रही खुदाई 25 ट्रैक्टर पोकलैंड की सहायता से। मैंने पूर्व में भी कलेक्टर, SDM और विधानसभा में भी ये मैंने क्वेश्चन उठाया था, अवैध खनन का केस भी बने हैं, बाकी बेपरवाह भी इन अधिकारी द्वारा हुई है। और जो आप जो बता रहे हो कि मौलाना के अंदर कोई वहाँ पे 20-20 25-25 ट्रैक्टर 25-25 डंपर चल रहे हैं अवैध खनन है, तो
मैं SDM साहब से बात करूंगा, कलेक्टर साहब से बात करूंगा और कुआं के इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। जो बड़े बड़े 50-50 टन के डंपर निकल रहे हैं इनके उन पर भी रोक लगाई जाए और जहाँ परेशानी आ रही है किसानों को उसका तत्काल रोकी जाए, क्योंकि उनके पाइपलाइन टूट रहे हैं, थंबे टूट रहे हैं, वायर टूट रहे हैं। और रेती वाली बात है, मैंने भी मोखा जाके देखा था, गारा और रेती दोनों मिक्सचर थी। मैंने CMO को बुलाया, CMO से मैंने चर्चा करी, उनने बताया कि टेंकर जो बना हुआ ये मटेरियल वहाँ ले जा रहे हैं। मैं फिर आज जाके देखूँगा और उसके बाद नहीं माने हैं तो मैं खुद जाके बंद करूँगा रेती का भी और जो ये खदान का जो मौलाना चल रहा है इसका भी। सर, मौलाना में अवैध उत्खनन चल रहा है और काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रहा है, इस पर आपके द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? अभी आपके द्वारा हमें ये संज्ञान में बात दी है कि इस प्रकार की गतिविधि चल रही है, तो मैं मेरी टीम को भेज के हम लोग उसमें दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। किसी भी प्रकार के अवैध उत्खनन पूरे अपने अनुभाग में कहीं भी अलाउ नहीं है। अभी तक जितने भी यहाँ से ऐसे केसेस आए सब में कार्रवाई हुई। प्रदेश की खबरों में वक्त चलाए यही रुकने का, ताज़ा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए BCN News। नमस्कार।